सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक अरुण जोशी का भरतपुर के मीडिया कर्मियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मीडिया कर्मियों ने फूल माला पुष्प गुच्छ एवं साफा पहनाकर अरुण जोशी का सम्मान किया है और उनकी सेवाओं की सराहना की। भरतपुर स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अरुण जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने 32 वर्ष के कार्यकाल में हर संभव पत्रकार हितों की बात राज्य सरकार तक पहुंचाई और उनका यथा संभव शत प्रतिशत समाधान कराने के प्रयास किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव गिरधारी तिवारी रहे। वहीं सम्मान समारोह की अध्यक्षता भरतपुर के वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ ने की। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से सहायक जनसंपर्क अधिकारी राहुल आसीवाल और सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुनील दत्त पचैरी ने भी जोशी को माल्यार्पण कर सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब अध्यक्ष उमेश लवानिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हेमेंद्र शर्मा ने किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, मेरी सर्विसेज का सम्मान है, सेवाओं का सम्मान है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पत्रकार और जनसंपर्क कर्मी एक सिक्के के दो पहलू हैं और निश्चित रूप से दोनों का काम लगभग एक सा है। वो सरकार में रह के काम करते हैं, वो सरकार के बाहर काम करते हैं। बेसिक जो काम है वो राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही सूचनाओं के संप्रेषण का काम है, लोगों को अपडेट करने का काम है। दोनों पक्ष बखूबी निभा रहे हैं। और जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसमें पत्रकार सम्मान योजना भी है। उसके अलावा कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो उसको 2 लाख तक की सहायता राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है, अधिस्वीकरण किया जा रहा है और नियमों का सरलीकरण भी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने चौमू में भाजपा पार्षद सुनीता सैनी के देवर की शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी, पूर्व पार्षद गुड्डू सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने मंत्री अविनाश गहलोत और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पार्षद सुनीता सैनी ने भी मंत्री अविनाश गहलोत को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर सैनी समाज विकास समिति अध्यक्ष घीसालाल सैनी भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर में बामनवास के रामनगर में बोरवेल में फंसी महिला को निकालने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 106 घंटे बाद भी 90 फीट से अधिक गहरे बोरवेल में फंसी हुई महिला को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। एसडीआरएफ के संभाग प्रभारी नरपत सिंह के मुताबिक बोरवेल के पास खोदे गए गड्ढे में 2 फीट पानी भर जाने की वजह से रेस्क्यू कार्य बाधित हुआ है। ऐसे में पंप सिस्टम से पानी की निकासी की जा रही है। नरपत सिंह ने बताया कि गड्ढे में बनाए गए टनल द्वारा महिला के हाथ और पैर देखे गए हैं, लेकिन 2 फीट से अधिक पानी भर जाने की वजह से महिला को बाहर नहीं निकाला जा सका। मौके पर फैली दुर्गंध के चलते प्रथम दृष्टया अनुमान ये लगाया जा रहा है कि महिला की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अधिकृत रूप से प्रशासन ने कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। सबसे बड़ी समस्या और चुनौती भरा ये कार्य है और राजस्थान में आज तक शायद ही हमारी जो टीमों दोनों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने ऐसा इससे बड़ा हार्ड रेस्क्यू नहीं किया। ये बहुत डिफ़िकल्ट रेस्क्यू है और इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो महिला जो है उस गड्ढे में जिस बोर में गई हुई हैं, तो वो क्या है कि बोर 12 इंची का है और उस बोर वो करीब 27 मीटर तक, यानी दलदल में 27 मीटर पर जाके उस दलदल में महिला वहाँ फंसी हुई है और हमने सीसी कैमरा और अपना यानी नाप करके उनको देखा है और दलदल में है और काफ़ी अपने उपकरणों से उनसे निकालने की कोशिश की, क्योंकि बॉडी भारी है इसलिए वो वहाँ से बोर के माध्यम से उनको निकाला नहीं जा सका। भजनलाल सरकार के गठन के करीब 1.5 माह में आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय में भारी पूरी टीम को अहम जिम्मेदारी देकर प्रशासनिक कार्य संचालन को मजबूती देने की कोशिश की गई है। सीएमओ में अहम विभागों को देकर यंग टीम पर भरोसा जताया गया है। यंग आईएएस सिद्धार्थ सिहा को बड़े महकमों की रीति नीति कार्यप्रणाली देखने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें वित्त, होम, पुलिस, डिफेंस, विजिलेंस, विधि, न्याय, ऊर्जा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, उद्योग, एमएसएमई, खादी, बीआईपी जैसे महकमे भी उनके पास हैं। इसी तरह विशिष्ट सचिव संदेश नायक को पीएचईडी, खान, पेट्रोलियम और डीआईपीआर की जिम्मेदारी दी गई है।
ओपी बुनकर को यूडीएच, एलएसजी, विधानसभा निर्वाचन, सहकारिता, संसदीय कार्य विभाग जैसे अहम विभाग मिले हैं। अंजू राजपाल को कार्मिक और चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे अहम महकमे मिले हैं। तो वहीं विवेक कुमार को पंचायती राज जैसा बड़े बजट वाले विभाग की देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। आईटी, खाद्य जैसे अच्छे महकमे भी उनके पास रहेंगे। पिछले बार तक ये महकमे अपेक्षाकृत सीनियर आईएएस अधिकारियों के पास रहे थे। सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों का मूल काम पहले से ही अलग अलग विभागों में लगे आईएएस अधिकारियों से तालमेल करके संबंधित विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों का समयबद्ध और कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बनी भरी पूरी टीम से सीएमओ सही तरीके से सक्रिय हो सकेगा और सरकारी मशीनरी फंक्शनल हो पाएगी। करौली में आयरन ओर के बड़े भंडार मिले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और पहल पर खान विभाग ने राजस्थान के करौली में हिंडौन के पास करीब 1828 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन ओर ब्लॉक्स के कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि करौली के हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लीलोटी में आरंभिक संकेतों के अनुसार आयरन ओर के 840 टन से ज्यादा डिपोजिट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में नई सरकार बनते ही माइंस विभाग एक्शन मोड पर आ गया। पहले 15 दिन का वैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाकर खनन माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की गई। वहीं मेजर और माइनर ब्लॉक्स आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। आयरन ओर के नए डिपॉजिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। खान सचिव आनंदी ने बताया कि विभाग द्वारा किए गए आरंभिक एक्सप्लोरेशन में आयरन ओर के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट दोनों के ही संकेत मिले हैं। करौली के खोड़ा में 462.3 हेक्टेयर, डेडरोली में 754.38 हेक्टेयर, टोडूपुरा में 260.71 हेक्टेयर और लीलियोटी में 410.94 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन ओर के डिपॉजिट मिले हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यहां आयरन ओर के 840 टन से ज्यादा डिपॉजिट हैं। विभाग द्वारा किए गए एक्सप्लोरेशन के मुताबिक यहां पर चुंबकीय प्रकृति के मैग्नेटाइट और नॉर्मल प्रकृति के हेमेटाइट आयरन ओर उपलब्ध हैं। आरएसएमईटी द्वारा ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के साथ ही कंपोजिट लाइसेंस के लिए ऑक्शन की राह प्रशस्त हो गई। कंपोजिट लाइसेंस के ऑक्शन से इस क्षेत्र में फर्दर एक्सप्लोरेशन होगा और ये माना जा रहा है कि फर्दर एक्सप्लोरेशन से इस क्षेत्र में आयरन ओर के और ज्यादा डिपॉजिट मिलने की संभावना है। करौली में आयरन ओर मिलने से आने वाले समय में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को और ज्यादा पंख लगेंगे। स्टील और सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आयरन ओर से स्टील उद्योग के साथ ही कोल वॉशिंग, फेरॉयल फाउंड्रीज, सेरेमिक और सीमेंट उद्योग सहित अन्य उद्योगों को सालों तक कच्चा माल प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश में इन उद्योगों में निवेश और नए उद्योग लगने के साथ ही रोजगार और आय के अवसर विकसित होंगे। राजस्थान में आयरन ओर के डिपॉजिट्स और ज्यादा मिलने की संभावना को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी एक्सप्लोरेशन आदि का कार्य जारी है। वहीं जयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सीकर, अलवर आदि में आयरन ओर के खनन और एक्सप्लोरेशन जारी है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने आज मुंबई ओटीएम समापन और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि राजस्थान अपने महलों, विरासत स्थलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इको टूरिज्म आदि के लिए प्रसिद्ध है। ओटीएम में पर्यटन विभाग की भागीदारी ने राजस्थान में विदेशी पेशेवरों के लिए पर्यटन विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बीते दिन ओटीएम समापन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आयोजित समारोह में दिया कुमारी ने कहा कि ओटीएम एशिया में अग्रणी ट्रैवल ट्रेड शो है। इसका आयोजन इस बार 8 से 10 फरवरी तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। राजस्थान पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पर्यटन ने कई शहरों में G20 बैठकों की मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में राज्य की पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत के MICE हब के रूप में राजस्थान की छवि को और बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया, राजस्थान में पर्यटन और संबंध उद्योग और व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग 14% हिस्सा है। 2022 में राज्य ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए 7वां स्थान हासिल किया। हालिया आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में राज्य में 17.9 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक, करीब 17 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। ओटीएम में राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस आयोजन में पूरे राजस्थान से ट्रैवल एजेंटों ने भाग लिया। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।